आजकल पता है मेरे को क्या देखने में मजा आ रहा है शार्क टैंक इंडिया भाई मतलब बाहर वाला देख के तो बोर ही हो गए थे क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीजें ऐसी थी जिससे हम रिलेट नहीं कर पा रहे थे बट भाई ये जो इंडिया वाला है ना इट इज बेस्ट रियलिटी शो राइट नाउ वन ऑफ द रीजन शायद इसीलिए भी कि इसमें कोई एक्टिंग करके लाइक like, इमोशनल करके हमको मेन्युपलेट नहीं कर सकते जैसे इंडियन आइडल में करते ना तो यहाँ पे इमोशनल ड्रामा कम है सो आई लाइक इट The guys, of so my champions of the world, 3DX Chitan, and this is a big question. Is Seth Rollins the biggest face or the next big face? और द कंपनीज टॉप फेस जो कि शायद डब्ल्यू ने ओरिजिनली प्लान किया हुआ जो ट्रिपल एच ने द अथॉरिटी के टाइम पे विजन देखा था दे कि मेरा सेथ रॉलिस्ट इतना बड़ा हो जाएगा कि आगे चल के ये द रॉक की बराबरी कर लेगा वाई आई एम हैविंग दिस फीलिंग इज बिकॉज ऑफ रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेजनर सो वी ऑल नो कि ब्रॉक लेजनर इज नॉट गोइंग टू स्टे लॉन्ग जब तक रोमन रेंस है तब तक वो ब्रॉक लेजनर है और ब्रॉक लेजनर मेरे को पता है सिर्फ रोमन रेंस के साथ ही लड़ने में इंटरेस्टेड है उसके अलावा नहीं। रही बात रोमन रेंस की ही इज द बिगेस्ट हील राइट नाउ कंपनी का अब बिगेस्ट बेबी फेस ढूंढना पड़ेगा एंड आई एम थिंकिंग्राफ्ट को हटा दिया है ना अपनी नजरों से मंडे नाइट रॉ में अरे बाहर में गया हमें रॉयल रंबल बुक करना है को डालो अगेंस्ट रौ में किसी को फर्क नहीं पड़ता बिकॉज वी ऑल वॉन्ट मैच अपनी लिमिटेशन अपने पास रखो अगर लिमिटेशन हटा के हमें ऐसे मैच मिल रहे हैं देन बहुत

एंड इन तीनों की टीम ने रोमन रेंस एंड दूसोज लाइन को हरा दिया है यानी कि बिगी एंड एक ही टीम में काम करके बिगी एंड सेथरस अरे भाई क्या पागल बना रहे हो में ये दोनों लड़े हैं भाई और धमकी भी दे रखी है बिगी ने कि भाई मैं तेरे को हराऊंगा तो ये टैग टीम में कैसे आ रहे हैं इट इज बिकॉज सेथरॉलिंस का हमें फिर से कैरेक्टर चेंज देखने को मिलने वाला है सेथरॉलिंस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग बेबी फेस एंड लाइक ऑफकोर्स आई एम होपिंग के वो दो हाँ दो हज़ार उन्नीस वाले नाइटमेयर्स दोबारा से ना आए बिकॉज लाइक हमने कितना अच्छा वो बिल्ड फॉलो किया था वी ऑल वांटेड सेथ टू बी ब्रॉक लेजनर बट जब ऐसा हुआ तो उसके बाद चीज़ें डाउन ही चली गई इस केस में भी ऐसा हो सकता है कि भाई रोमन रेंज को हरा दे एंड फिर चीज़ें सेथ रॉलिंस के लिए डाउन चली जाए दिस टाइम वी ऑल वॉन्ट की सेथ रॉलिस् का जो प्रॉपर टाइटल रेन हो वो बिल्कुल उनके ओरिजिनल टाइटल रेन जैसा हो जो कि हमने दो 15 में देखा था मैं यहाँ पर बिल्कुल भी बुकिंग को नहीं घसीटने वाला कि भैया ऐसी बुकिंग होनी चाहिए ऐसी बुकिंग होनी होनी चाहिए चाहिए वैसी क्योंकि हमारे हिसाब से अगर चलेंगे तो डब्ल्यू पक्का एक दिन फेल हो ही जाएगी फिर एक्चुअली में पेटीएम पर डब्ल्यूडब्ल्यू बिकने लगेगी और आप लोग खरीद पाओगे द रीजन अरे फैंस की सुन ली थी ना कुछ ज्यादा ही तो इसीलिए बट द क्वेश्चन इज इज सेथ द राइट ऑप्शन बिकॉज लाइक रोमन रेंज के लिए तो हमने सोचा था कि हाँ अब तो ये राइट right ऑप्शन हो सकता है बट फॉर हाउ लॉन्ग बिकॉज आई कि ये हील कैरेक्टर से ही डब्ल्यूब्ल आगे जाना चाहेगी एंटेस दे हाँ भैया हम नया ट्रेडिशन फॉलो करेंगे जिसमें जरूरी नहीं है जॉन सिना जैसा सुपरस्टार ही हमको चाहिए एक हील सुपरस्टार जो की इतनी बड़ी पर्सनैलिटी बन जाए कि वो कंपनी को अकेले चला सके तो हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं है आई होप की शायद डब्ल्यूब्ल्यू ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाए कि नो मैटर वट कैरेक्टर यू आर अगर आप मनी ड्रॉ कर रहे हो अगर आप रेटिंग ड्रॉ कर रहे हो देन यू आर द एंड पर्सनली ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसकी वजह से मेरे को लगता है कि सेथ वर्सेस रोमन का मैच बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है एंड किसी ने लिखा था कमेंट में कि भाई ये शायद मेन इवेंट भी हो सकता है तो अगर ये एक्चुअली में हुआ भी तो अब मैं शॉक नहीं होने वाला हूं बट फिर भी मैं थर्टी मैन रंबल के लिए जाऊंगा कि शायद वही मेन इवेंट होने वाला है पर्सनली अगर आप मेरे से पूछोगे यस सेथ ये कैन बी ए ग्रेट ऑप्शन फॉर द कंपनी बिग बेबी फेस बिकॉज एक तो बहुत टाइम से ये डब्ल्यू डब्ल्यू के अंदर रह है चुके हैं तो एक जो मेरी जैसी जनरेशन के सुप बंदे थे या फिर जो आ रहे हैं यानी कि जो जिन्होंने द शील्ड के टाइम पे देखना शुरू किया था सब सेथ सेथरॉलिस् से बहुत अच्छे से वाकिफ हो चुके हैं उन्होंने उनके लोएस्ट ऑफ द लो और हाइस्ट ऑफ द हाइज भी देख लिए है हाँ ये कह सकते हैं कि अगर बिगी टॉप गाय बनाने की सोच रहे होते थे मैं कहता कि शायद फेल हो जाएंगे कोफी किंगस्टन को बनाना चाहेंगे तो शायद फेल हो जाएंगे क्योंकि कोफी किंगस्टन भी मेन इवेंट सीन में उतने नहीं दिखे हैं जितने कि हमने रॉलिंस को देखा हुआ है। उन्होंने जो एवोल्यूशन के अगेंस्ट काम किया या फिर अथॉरिटी के साथ मिलकर जो काम किया आर्किटेक्ट कोर्स बट द इंटरेस्टिंग पार्ट है ड्रिप गॉड वाला इसको ना छोड़े। लाइक बेबी फेस के अंदर पता नहीं क्या गंदी आदत होती है उनको लगता है कि बस हाँ सच का साथ देना है तो हम बेबी फेस हैं जरूरी नहीं है आप अपने कैरेक्टर में रह सकते हो और आप विलेंस के अगेंस्ट लड़ सकते हो चीटिंग नहीं करनी कोई बात नहीं भाई बट कैरेक्टर तो मत छोड़ो तो ऑफकोर्स मैं नहीं चाहता कि उनके कॉस्ट्यूम्स जो मुझे हर हफ्ते देखने को मिलते हैं वो बंद हो या फिर जिस तरह से वो प्रोमोस कट करते हैं वो बंद हो लाइक कैरेक्टर शुड स्टे द सेम बट हाँ एक नई पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी एंड मे बी मे बी सेथ रॉलिंस कैन बी द नेक्स्ट बिग का फॉर डब्ल्यू एब्बली बिकॉज डब्ल्यू एब्ली को भी पता है कि रोमन रेंस भी ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाले ऐसा रोमन रेंस ने खुद ने भी कहा है तो इसलिए वो जब तक हैं तब तक उनके पास ऑप्शन है कि वो सेथ रॉलिंस को एक मेगा स्टार बना सकती है तो इसलिए अगर ये रोमन वर्सेस सेथ जो है रेसल तक भी खींचता है ना तो भी शायद मेरे को लगता है सरप्राइज नहीं होंगे हम लोग कोर्स कमेंट्स में भी आप लोग अपनी प्रतिक्रियाएं प्रकट करना कि भाई आपको क्या लगता है इस बारे में डू यू थिंक के सेथ रॉलिंस कैन बी द नेक्स्ट पेग थिंग फॉर डब्ल्यू जस्ट लाइक रोमन रेन्स इज राइट नाव साथ ही साथ कमेंट्स ले लेते हैं ए पी के मंडेरी का यूट्यूब हाउ मेनी कॉपीराइट डू यू वॉन्ट थ्री डी एक्सतन यस ये थीम सॉन्ग वीडियो वाले की बात हो रही है ओके सो आल टेल यू वर्ट लाइक मेरे को पता था कि इसमें कॉपीराइट नहीं आएगा बट अभी मैनुअल कॉपी राइट का मेरे को नहीं पता वो हो सकता है कि दो तीन दिन में आ जाए बट एक जो ऑटोमेटिक क्लेम था उसके लिए मैंने किया गया अपने पुराने चैनल पर वीडियो अपलोड करी लाइक uh, प्राइवेटली like, और उसमें अलग अलग थीम सॉन्ग डाले लाइक रोमन रेंज का पूरा थीम सॉन्ग डाला फिर आगे चल के थर्टी सेकेंड का डाला आगे चल के दस सेकेंड का डाला आगे चल के छः सेकेंड का डाला फिर पाँच सेकेंड का डाला तो जब मेरे को पता चल गया कि सब में कॉपी आया एक्सेप्ट फॉर द छः सेकेंड वाला पार्ट तो इसीलिए मैंने छः सेकेंड की ही क्लिप्स यूज़ करी है थीम सॉन्ग वाले में तो इसीलिए अंटे रान डब्ल्यू डब्ल्यूब्ल डिसाइड कि हाँ भैया मैनुअली क्लेम मारेंगे तो वो अलग बात है बट ऑटोमेटिकली तो नहीं आया ने ने लिखा AJ Styles ने लिखा है कि बेली लीटा इवेंट है 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 कि एक 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 तुम्हारी तुम्हारी मेरी मेरी भाई ये क्या की की थोड़ी तो <laughs> देखी दी क्या किसी ने वो फोटो किसी ने इंस्टाग्राम पे एजे स्टाइल्स और लेव मॉर्गन की फोटो डालकर लिख दिया दे आर मैरिड <laughs> भाई क्या वियर थिंग थी वो <laughs> मतलब क्यों ऐसी क्या चीज चल रही है Anyways, बेली मैंने शार्लेट वर्सेस लीटा बोला था ना हटाओ उसे नहीं 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 मैं चाहता हूँ कि बेली वर्सेस लीटा ही हो एंड क्योंकि बेली इंस्पायर्ड भी है लीटा से तो तो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा ये मैच शुभम बारसकर ने लिखा है कि जैक स्वागर इज बेटर देन रोमन रेंस बसड़ी के <laughs> बसड़ी के <laughs> पुश करते अच्छे से तो वो भी आ गया था रोमन ओवर है खाली टीवी पर ओ मुझे लगा सोशल मीडिया पर भी है इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स देखोगे तो भी रोमन रेंज से कम है लाइक like, अकेले रोमन रेंज इन सब पे भारी है इंस्टाग्राम पे तो आई डोंट नो कि आपको किधर किधर ओवर चाहिए रोमन रेंज डेफिनेटली आपके प्राइवेट डब्ल्यू हेटर्स ग्रुप में तो ओवर नहीं होने वाला रोमन रेंज ये तो श्योर है आई थिंक ही इज कुछ भी बोल लेते ले किसी और से कंपेयर कर लेते बट जैकर भाई दिमाग खराब है लोगों का है मतलब आंख बंद करके उसके ऊपर तेजाब डाल के उसके ऊपर सुई घुसा के देख रहे हो क्या ये चीजे इतनी पागल कोई कैसे कर सकता है यार

समय की मार है ये मेहनत की हार है ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया फ्राइडेज को इसने आर के ओर लगाया फ्राइडेज को इसने आर के ओ